hi everyone welcome back pulsania nursing classes today we'll discuss about the very interesting and important topic hernia what is the meaning of the hernia what is the classification of hernia what is the management what is the nursing management all over we discuss in this video so student watch video completely because you step by step watching then you understand better about the hernia what is the meaning of the hernia फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट द डेफिनेशन इट इज द एबनॉर्मल प्रोट्यूशन एंड डिसमेंट ऑफ एनी ऑर्गन एनी पार्ट थ्रू द वॉल ऑफ द कैविटी दैट नॉर्मली कंटेन इट ओके सपोज दैट प्रोट्यूशन का मतलब डिसप्लेसमेंट होना बाहर की तरफ निकलना ठीक है बहार की तरफ निकलना क्लियर है जैसे ये कोई वोल है और इसके अंदर इसके अंदर कोई स्टूडेंट बैठे हैं सपोज दैट स्टूडेंट बैठे हैं यहाँ पे एक डोर था आपने क्लोज कर दिया तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चे जो अपने वॉल है उस पर दीवार मारना स्टार्ट करेंगे वीक करेंगे तो धीरे धीरे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं सेम उसी प्रकार से जो कोई ऑर्गन है उसकी वॉल जो ऑर्गन के सरफेस है तो वो क्या हो जाता है वीक हो जाता है किसी कारणवश जो अपन पढ़ेंगे इटोलॉजी फैक्टर के अंदर उसकी वजह से धीरे धीरे बाहर निकल जाएंगे कहने का मतलब ये एक ऐसी एबनॉर्मल डिस्प्लेसमेंट होती है कोई भी ऑर्गन कोई भी पार्ट में हो सकता है और किसके थ्रू बाहर निकलेंगे नॉर्मली कैविटी के थ्रू ठीक है नेक्स्ट डेफिनेशन में बात करें प्रोट्यूशन इज ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी ऑर्गन इन टू द अदर कैविटी मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाना उसी को क्या कह देते हैं बच्चों हर्निया कह देते हैं ठीक है अपनी एक्चुअल पोजिशन से दूसरी पोजिशन पर जाना उसको क्या कह देते हैं हर्निया कह देते हैं आई होप आपको समझ में आ गया होगा नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं बच्चों इटियोलॉजी के बारे में तो ईटियोलॉजी क्या क्या है उनके बारे में देखते हैं ठीक है तो ईटियोलॉजी क्या क्या है उनके बारे में देखते हैं फर्स्टली ओबेसिटी ठीक है वेट लिफ्टिंग वाले के अंदर होता है कॉन्स्टिपेशन यहां पे अगर क्रोनिक है तो कॉन्स्टिपेशन अगर क्रोनिक देखने को मिल रहा है ठीक है उसको उसको भी हो सकता है अगर कोई फैमिली हिस्ट्री उसको हो सकता है प्रेगनेंसी के अंदर क्यों क्योंकि बेटा यहां पे क्या होता है कहीं ना कहीं प्रेशर अप्लाई होता है ठीक है इसकी वजह से क्रोनिक कफ की वजह से भी हो सकता है ठीक है फ्लूड इन द एबडोम फ्लूड अगर एबडोमन है उसकी वजह से क्योंकि वो क्या है प्रेशर लगाएगा उसकी वजह से क्या होगा वॉल को क्या करेगा वीक करेगा वीक करेगा तो बेटा क्या होगा वॉल वी, अगर वीक हो जाएगी तो कहने का मतलब अपनी जगह से निकल जाएंगे सपोज दैट भारत पाकिस्तान है सपोज इंडिया है ये पाकिस्तान है अगर यहाँ की अगर सिक्योरिटी अगर वीक हो जाएगी तो इधर के कैंडिडेट इधर आ सकते हैं इधर के कैंडिडेट इधर आ सकते हैं सेम उसी प्रकार है बेटा अगर वीक वोल हुई तो ये इधर चला जाएगा बाहर की साइड निकल जाएगा तो कहने का मतलब अपनी जगह से क्या हुआ डिस्प्लेस हुआ सेम उसी प्रकार से या फिर बेटा प्रीवियसली कोई हारनी की क्या हो सर्जरी हो ठीक है उसको हो सकता है माल न्यूट्रिशन या स्मोकिंग और बेटा ध्यान रखना जो माल न्यूट्रिशन स्मोकिंग किसको क्या करते हैं मसल वीकनेस का काम करते हैं अगर मसल वीक हो गई तो बेटा वोल भी वीक हो गई अगर वोल वीक हो गई तो बेटा क्या हो जाएगा हर्निया हो जाएगा क्लियर हुआ कंसेप्ट क्लियर है ठीक है आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन की बात करते हैं बेटा तो क्लासिफिकेशन देखिए अकॉर्डिंग ऑन सेट कंजेटल अक्वाय ड्यू टू द कंजेटल डिफेक्ट ठीक है एक्वायर्ड पूरी लाइफ में कभी भी हो सकता है एक होता degree of the degree है डिग्री ऑफ द प्रोटूशन कितना डिग्री है ठीक है कंप्लीट हर्निया है या फिर इनकम्प्लीट हर्निया है ठीक है अब आगे और पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन विजिबिलिटी के आधार पे है इंटरनल हर्निया है या एक्सटर्नल हर्निया है स्लाइडिंग नेचर के आधार पे रिड्यूसिबल हर्निया है या इन रिड्यूसिबल हर्निया है ठीक है इनके आधार पे अब रिड्यूसीबल क्या होता है किसी मान लीजिए किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में हुआ है उसको अगर वापस उसकी ओरिजिनल फेज में भेजना है तो उसको अगर मैनुअली प्रेशर लगा के हो रहा है तो वो क्या है रिड्यूसिबल हर्निया अगर मैनुअल प्रेशर अप्लाई करने के बाद नहीं जा रहा उसको इन रिड्यूसिबल बोलते हैं ठीक है और एनाटोमिकल लोकेशन इंगल हर्निया अब इंग हर्निया क्या होता है इट अकर द ग्रोन इंटेस्टाइनल टिश्यू पुस्ट थ्रू द वीक एबडोम नियर द इनल कैनाल जो इनगुनल कैनाल है उसके आसपास देखने को मिलता है देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ यहाँ पे एक प्रकार से ये बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है ठीक है ये एबडोमल वोल है एबडमिनल वोल को क्रॉस कर दिया ठीक है यह स्कीन है तो कुछ इस प्रकार का देखने को मिलता है तो ये होता है और एक्सटर्नली ये होता है तो इस प्रकार के देखने को मिलता है कहाँ जो इंटेस्टाइनल टिश्यू है उसको क्या करेगा पुश करेगा ठीक है बाहर की तरफ धकेलेगा तो इस प्रकार का हरनिया देखने को मिलता है इसके अंदर इंटरनल अगर इंटरनल देखें तो ये क्या कर रहा है एबनल वॉल को क्रॉस करके बाहर की तरफ निकल रहा है तो बाहर निकलेगा तो कुछ इस प्रकार का दिखेगा आई होप आपको समझ में आ गया होगा फिमोरल हार्निया क्या होता है देखिए जो यहां पे आपको डायग्राम में देखना डायग्राम से यह बेटर समझ में आता है आपके लिए मैंने डायग्राम डाले यहां पे ये देखो जो फीमोरल बोन है ठीक है समझ दिख गया तो क्या हुआ कि इट अकर अपर थाई अकर द बिलो फीमर ये अपर थाई है ठीक है ये वाली अपर थाई हो गई और बिलो फीमर जो फीमर बोन है उसके नीचे ये देखो इसे क्या कह देते हैं फिमोरल हर्निया कह देते हैं ठीक है बच्चों नेक्स्ट अमलाइकल हर्निया जो नाभि का एरिया है वहां पे हर्निया की कंडीशन देखने को मिले उसे क्या कह देते हैं अमलाइकल हर्निया इट अकर नेवल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन पास थ्रू द एबडल वॉल बच्चों जो नाभी होती है अम्लिकल जो अम्लिकल एरिया होता है वहां पे अगर हर्निया देखने को मिलता है उसे क्या कह देते हैं उसे कह देते हैं अम्लिकल हर्निया ठीक है नेक्स्ट बेटा इंसिजिनल हर्निया कहने का मतलब सपोज यहां पे पहले कोई कट था उसकी वजह से क्या हुई मसल बेटा वीक हुई मसल वीक होते ही क्या हो जाएगा वो प्रेशर अप्लाई करेगा फुस करेगा तो बाहर की तरफ जाएगा देखिए यहाँ पे इंसिजन लगा तो मसल क्या है बाहर की तरफ आ रही है क्योंकि यहाँ पे वोल क्या हो गई वीक हो गई इस प्रकार के हर्निया क्या कहते हैं इंसिनियल हर्निया इंटेस्टाइनल थ्रू द पुस्थ्रूदनल वोल एट द साइड ऑफ द प्रीवियस एबडोम को। अगर कोई प्रीवियस एबडोमल सर्जरी हुई थी उसकी वजह से कट लगा था कट लगा तो वहां पे होने के चांसेज हैं हर्निया उसे क्या कहते हैं इंसिनियल हर्निया कहते हैं क्लियर है नेक्स्ट बेटा बात करते हैं एपी हर्निया हर्निया देखिए यहां पे तो आपको दिख रहा होगा एपी, जो मैंने अभी बताया था ठीक है और यहां पे क्या है एपिगेस्टिक रीजन के अंदर होता है, वहां देखने को मिल रहा है इस प्रकार क्या कहते हैं ठीक है बेटा हाइटल हर्निया या हाइटस हर्निया इसके अंदर देखिए बेटा नॉर्मली नॉर्मल जो होता है ऐसा होता है अब यहां पे देखना जो स्लाइडलिंग वाला है दो प्रकार के होते है। हैं पैराइसो हाइटल हर्निया और स्लाइड हाइटल हरिया इसको मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगा इसके लिए टेंशन मत करो लेकिन अभी आपको समझना है जो स्लाइडिंग वाला होता है वो क्या होता है कि जैसे मान लीजिएगा है ठीक है और इसी के अंदर धस रहा है ठीक है इसी के अंदर धस रहा है तो क्या हो रहा है स्लाइड वाला देखो नॉर्मल यहां पे था ठीक है ये प्रोटीस होकर डिस्प्लेस होकर किधर जा रहा है फेगस के अंदर ही जा रहा है उसे क्या कहते हैं स्लाइड वाला कहते हैं और बेटा जो इधर वाला है वाला इसमें क्या होता है कि बेटा जैसे मान लीजिएगा है ठीक है और ये डाइफ्राम डाइफ्राम है, है यहां पे ठीक है और ये स्टोमक है क्लियर है स्टोमक है यहां पे क्या होगा बेटा ईसोफेगस में ना जाके यहां पे क्या करेगा डायफ्रामेटिक बोल सकते हैं डायफ्राम के अंदर क्या होगा डिस्ले प्रोड्यूशन होगा या डिस्प्लेसमेंट होगा बाहर की तरफ निकलेगा देखो ये वाला ये भाग निकल रहा है ना वो तो इसे क्या कहते हैं पैरा ईसो हाइटल हर्निया और स्लाइड वाला समझ गए कि ईसोफेगस के अंदर ही दसना उसे क्या कहते हैं स्लाइडल हर्निया कहते हैं क्लियर है बेटा यहां तक क्लियर आगे चलते हैं स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया ये क्या होता है स्ट्रेंगुलेटेड का मतलब एक प्रकार से फांसी ठीक है जो फांसी लगाते ना उस प्रकार का तो गोल होता है और यहां पे क्या होता है ट्विस्टिंग होता है ठीक है ये मान के चलो ये ऐसे यहां पे देखो इंटेस्टाइनल क्या हुआ प्रोट्रेशन हुआ डिस्प्लेसमेंट हुआ तो एक प्रकार से स्ट्रेंगुलेट मतलब ट्विस्टिंग हो गया मुड़ गया ठीक है तो इस प्रकार के क्या कहते हैं स्ट्रेंगुलेटेड है हर्निया हर्निया दैट पार्ट कट ऑफ फ्रॉम द ब्लड सप्लाई अगर आपको पता है अगर किसी को निचोड़ देंगे अगर ट्विस्ट कर देंगे तो उसकी जो ब्लड सप्लाई क्या होगी रुक जाएगी रुक जाएगी तो इससीमिया की कंडीशन हो जाएगी इससीमिया की कंडीशन हो जाएगी तो बेटा नेक्रोसिस की कंडीशन भी हो जाएगी तो ध्यान रखना जितने भी अपने हरनिया पड़ा उसमें नेक्रोसिस ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाती है स्ट्रेंगुलेटेड हरनिया स्ट्रेंगुलेटेड का मतलब होता है बेटा एक प्रकार से ट्विस्टिंग ठीक है यहाँ पे देखो यहां पे ट्विस्ट हो गया तो यहाँ पे ब्लड सप्लाई क्या हो जाती है कट ऑफ हो जाती है ध्यान रखना और यहाँ पे नेक्रोसिस हो सकता है ब्लड सप्लाई सप्लाईमिया हो जाएगा क्लियर है क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होंगे देखिए पेन और डिस्कम्फर्ट इन द अफेक्टेड एरिया पेन कहाँ होगा जो अफेक्टेड साइट होगी वहां बर्निंग सेशन देखने को मिलेंगे ठीक है हैवीनेस देखने को मिलेगा कहाँ एब्डोमल फील करेगा पेशेंट विजिबल हार्निया जिसे क्या बोलते हैं प्रोट्यूशन स्पेशली वाइल कफिंग जब विजिबल हर्नी होगा तो क्या होगा जब वो खांसेगा पेशेंट या क्लाइंट तब देखने को मिलेगा और एवडोमल डिस्टेंशन देखने को मिलेगा क्लियर है अब बेटा यहां पे जो स्ट्रेम अर्निया पड़े तो उसके स्पेशल क्या है क्लिनिकल फीचर्स हैं अर्निया पड़ रही इसमें नोजिया भी देखने को मिलेगा वोमिटिंग भी देखने को मिलेगा फीवर भी देखने को मिलेगा एवडोम ये तो इसके बोल सकते हैं सर स्ट्रेमुलेटेडेड क्लासिकल क्या है क्लिनिकल फीचर्स है क्लियर है और बाउल ऑब्स्ट्रक्शन भी देखने को मिलेगा नेक्स्ट डायग्नोसिस की बात करते हैं बेटा यहां पे स्ट्री कलेक्शन करेंगे क्या करेंगे स्ट्री कलेक्शन करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे एक्सरे करेंगे यूएसडी करेंगे सीटी स्कैन करेंगे ब्लड टेस्ट क्या करेंगे सीबीसी ई एस आर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन ये ध्यान में रखना इसमें क्या करते हैं ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और यूरिन एनालाइस भी करेंगे यूरिन को क्या करेंगे एनालाइज करेंगे ठीक है या फिर मैनेजमेंट की बात करें बेटा तो मैनुअल रिडक्शन जो कि मैनुअल वे के अंदर अंदर चला जाए या सपोर्टिव एक इलास्टिक बैंड होता है बेटा सपोज द इलास्टिक बैंड है उसको अप्लाई कर देते हैं तो कहने का उसको प्रिवेंट करता है बाहर की तरफ जाए ना ठीक है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करा देते हैं ठीक है हेयरमी क्या होता है अपर कट क्या कर देते हैं कट लगा देते हैं देखिए कुछ इस प्रकार देखिए जैसे मान लीजिएगा ये स्टु... के अंदर जा रहा है ठीक है तो यहां पे कट लगा के इसको वापस अपनी से, सेम फेज में भेजना ठीक है इसको क्या कहते हैं कट लगाया हर्निया सेक को और उसको वापस अपनी एक्चुअल पोजिशन में ले जाना ठीक है इसको हेनियोटोमी कहते हैं हेरन प्लास्टिक क्या होती है देखो बेटा डायग्राम में देखो जैसे ये क्या है हरनिया का पार्ट है ठीक है यहां पे हरनिया देखने को ला तो एक जाली नुमा ये जाली देखो ये जाली नेट टाइप की क्या क्या कर देते हैं यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं ठीक है तो ये क्या करेगा रेनी फोर्स रिपेयर करते हैं यहाँ पे एबडोनल के एबडोन ऑटोजीनियसड्रोजी मटेरियल होते हैं उनको तो कहने का मतलब इनको चिपका दिया जाता है और ये स्ट्रेच कर दिया जाता है टाइटली तो ये बाहर ना हो डिस्प्लेस ना हो मतलब जाली क्या करती है रोकती है ना अगर जैसे मान लीजिए जो चाय वाली छलनी होती है उसको क्या करते हैं जब आप चाय जब बनाने के बाद उसको छानते हो चलने क्या करती है रोक लेती है जो सॉलिड पार्ट होता है इसको रोक लेती है सेम थोड़ा इसको वहीं इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो जो ये ने, नेट है या जाली है जहां पे हरनिया हुआ था उसकी साइड को कट करके इंसिजन करके उसको लगा दिया जाता है उसको प्रिवेंट करने का एक प्रकार से उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराती है ठीक है क्लियर है अब बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर यहां तक आ गए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा शेयर कीजिएगा आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज लेके आएंगे एक्सप्लेन पेशेंट एंड फैमिली मेंबर वेरियस मेथड ऑफ द रिड्यूसिंग हर्निया पेशेंट को और घर वालों को क्या बताना है अपन को अलग अलग मेथड बताने हैं ठीक है हरनिया को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है एडवाइस टू अप्लाई थिक पैड और व्हाइट बेल्ट टू सपोर्ट द हर्निया पार्ट कहने का मतलब मोटा वाला जो पैड होता है ठीक है उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराना है जो हार्निया वाला पार्ट है उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराना है क्योंकि मैंने अभी बताया था जाली क्या कर रही थी सपोर्ट प्रोवाइड करा रही थी तो कहीं ना कहीं क्या करेगी सपोर्ट प्रोवाइड कराते वो बाहर नहीं निकलेगी डिस्प्लेसमेंट नहीं देखने को मिलेगा प्रोट्रिशन नहीं देखने को मिलेगा ठीक है फिर पेशेंट को क्या करना है अगर आपकी सर्जरी प्लान है तो उसको प्रोसेजर बताना है एंटीबायोटिक्स देनी है एनाल्जेसिक देनी है कफ सप्रेस ड्रग देनी है डिस्करेज द स्मोकिंग एल्कोहल पेशेंट को बोलना है कि दारू मत पीना भाई और सिगरेट नहीं पीनी तेरे को तो स्मोकिंग नहीं करनी मेंटेन द हेल्थ क्या मेंटेन करता करना है हेल्थ वेट मेंटेन करना और अन पेशेंट को बोलेंगे एम का मतलब उसको बोलेंगे तेरे को हाई फाइव डाइट लेनी है इसके अलावा नहीं लेना कुछ भी ड्रिंक पेलेंटी ऑफ फ्लूड्स यहाँ पे पानी ज्यादा पीना है पेशेंट को क्लियर है और अवॉइड करना है लिफ्टिंग क्लियर है तो प्यारे दोस्तों आज का टॉपिक है था हारनिया ठीक है छोटा सा टॉपिक था ठीक है जो मैंने आपको बता दिया है ये और जो अपन ने पढ़ा था हाइटल हारनिया अगर आप चाहते हो उस पर वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो लाइक करो शेयर करो अपना सपोर्ट बनाए रखो जय हिंद